जी हाँ दोस्तों, रूठी गर्लफ्रेंड को मनाने के ये कभी ना फेल होने वाली 5 टिप्स अगर आप यूज करते हैं ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड कितना भी रूठी हुई क्यों ना हो, वो फौरन मान जाएगी। दोस्तों, हर रिश्ते में तो रूठना मनाना चलता ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका एक छोटा सा मजाक आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आता है और वो आपसे नाराज हो जाती है। ऐसे में परेशान होने से चीजें सुधरने की बजाय और बिगड़ ही जाती है। अगर आप चाहते हैं तो इन उपायों को अपना सकते हैं। यकीन मानिए, इन तरीकों को अजमा कर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही आसानी से मना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जिस बात पर भी दोनों का झगड़ा हुआ है उस बात को आराम से बैठकर दोबारा डिस्कस करें। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद अगर आपको लगे कि इस मामले में आपकी गलती थी तो आप बिना किसी बनावट के माफी मांग ले। सच बोलना हमेशा फायदेमंद होता है। नंबर 2, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, बात करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि बहस की स्थिति ना बन पाए। किसी भी मुद्दे पर बहस करना नुकसानदेह ही हो सकता है। गलती मानना ही काफी नहीं है, आपके पार्टनर को इस बात का एहसास कराना भी जरूरी है कि आपको वाकई उस बात के लिए पछतावा है। तीसरी चीजें आप क्या कर सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताएं कि वो आपके लिए कितनी खास है और आप इस रिश्ते को जिंदगी भर प्यार और ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर उससे ये बातें कहना बहुत ही असरदार होगा। नंबर 4, आप बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें कहें जिससे आपकी गर्लफ्रेंड अपना गुस्सा भूलकर हंस दे। आपका मजाकिया अंदाज आपकी रूठी गर्लफ्रेंड को मनाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। नंबर 5, ऐसी बातें कहने से बचे जो आपकी गर्लफ्रेंड को बुरी लग सकती है। आप चाहे तो डिनर का प्लान बनाकर उसे सरप्राइज भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी ये अंदाज पसंद आएगी और वो अपना गुस्सा भूल जाएगी।